इधर क्रॉसिंग है, ये जगह किसकी? ये जगह तो सर जैसे गवर्नमेंट की है और मुझे लगता है गौशाला के नाम से जमीन होगी नहीं। नहीं, गौशाला के नाम पे है यहाँ पे जमीन। गौशाला के नाम पे जमीन है यहाँ पे। अच्छा, तो वही होगी, इतना हॉस्पिटल को छोड़ के होगी। हाँ, लेकिन यहाँ गाय मरी हुई है, कहीं बदबू आ रही है। हमेशा मरती है, हर रोज एक मरती है। अच्छा, अभी 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। कितनी गाय है भैया यहाँ पे? कितनी गाय है यहाँ पे टोटल? 29। ये गाय कब मरी है? सर अभी मरी एक फेंक रहे हैं, गड्ढा खाना हुआ उसमें मिट्टी भी डाल रहे हैं। अच्छा, मर गई है? जी अभी मरी है, लेकिन इसको देख के लग रहा काफी दिनों से मरी हुई है। नहीं सर, सुबह तक थी, 2 बजे को आदमी, लेकिन तो सड़ गई है पूरी। क्या बोलते हैं सर, कई दिनों से मरी है ना? तो कितने लोग रहते हैं वैसे ड्यूटी पे यहाँ पे? अच्छा, एक गाय इधर भी मरी है? ये पहले से गड्ढे खन के रखे हुए हैं, रोज मर रहे हैं, दो चार मर रहे हैं। इन्होंने फेंसिस कर रखे है ना, ये बता रहे थे। कुछ होता नहीं, भैया एक मिनट सुनिएगा, इधर आइए। ये पूरा 1 बीघा है क्या पीछे तक? ये पीछे 1 बीघा है वहां तक? ये जो ये इसी की बाउंड्री है, ये जो खम्भे हैं पूरे वो आखिरी तक? हाँ, आगे भी नया मिला है। तो आप लोग इतना ही करते हैं? वहां पे कौन धान वान बो के रखा है, मतलब कुछ बोया हुआ है या घास है? अच्छा, इनका खाना कहाँ पे रखा हुआ है? भूसा अंदर रखा है जी। तो रात में कौन रहते हैं यहाँ पे? दो लोग रहते हैं। दो लोग रहते हैं,
तो अभी टोटल कितनी गाय यहाँ पे? 28-29। इनमें से कोई देसी नहीं है? देसी है। देसी है कुछ? केवल सूखा भूसा रखा हुआ है पूरा। पानी पिलाया भी है। और पानी कैसे पिलाते हो? समर सेवल चलता है।